छह मुकाबले हारने के बाद चेन्नई ने घोषित किया दीपक चाहर का रिप्लेसमेंट। ये दिग्गज खिलाड़ी हो सकता है टीम में शामिल। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हिसाब से दीपक चाहर का रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में खेले गए 8 मुकाबलों में से 6 मुकाबले हार चुकी है। अब चेन्नई के लिए प्ले ऑफ में पहुंचना भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की हार की सबसे बड़ी वजह उसकी कमजोर गेंदबाजी नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 मुख्य गेंदबाज पहले ही बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम दीपक चाहर का तो दूसरा नाम एडम मिलने का है। कमजोर गेंदबाजी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स बाकी टीमों को टक्कर नहीं दे पा रही है। इसी बीच दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स मिचेल स्टार्क के संपर्क में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। सैम करन पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल 2022 से अपने आप को बाहर कर लिया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी, दीपक चाहर का रिप्लेसमेंट कौन सा खिलाड़ी होता है? आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को बतौर रिप्लेसमेंट चेन्नई की टीम में शामिल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।